नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाविद्या मातंगी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र तक का विशिष्ट अनुष्ठान होगा। इस साधना शिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। फिर चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, अभिनय, भाषण, वादन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी तरह की मनोकामना हो, आप इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पृथ्वी तत्व मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी तत्व मुद्रा के द्वारा हम अपने शरीर के कौन से भाग को प्रभावित कर सकते हैं और उसे निरोगी कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व का जो संबंध होता है वो मूलाधार चक्र से होता है और यहाँ से तामसिक ऊर्जा निकलती रहती है। हमारे कुंडलिनी चक्र के द्वारा मूलाधार का जो स्थान है बहुत ही प्रथम माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कि क्योंकि बिना मूलाधार चक्र जागृत हुए आपके शरीर की जो चक्र हैं, कुंडलिनी हैं, ये शक्ति जागृत नहीं हो पाती। तो पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र का जागृत होना, एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और अगर पृथ्वी तत्व में कुछ अड़चन आ रही है, इनबैलेंस है, या पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कमजोर है तो बहुत सी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। पृथ्वी तत्व जागृत हुए बिना या पृथ्वी तत्व एक्टिव हुए बिना आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भाग नहीं ले सकते या उसमें तरक्की नहीं कर सकते, उसमें आपको मन ही नहीं लगेगा। पृथ्वी तत्व का मूल स्थान मूलाधार होने की वजह से यौन संबंधी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको फायदा मिलना शुरू होता है। पौरुष शक्ति बढ़ती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, मन के अंदर के बुरे विचार दूर होने शुरू हो जाते हैं, मन में शांति आती है, मन बहुत ही शांत हो जाता है। क्योंकि मन शांत हुए बिना, मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हुए बिना आप अपने क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तत्व बहुत ही काम में आता है। इस तत्व को स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। जो लोग मेंटली रिटार्डेड माने जाते हैं, जिनको आप मंद बुद्धि के नाम से जानते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं यानी जिनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन बुद्धि उसी जगह पर रुकी हुई है, ऐसे बच्चे मंद बुद्धि के माने जाते हैं। इनको भी इस तरह का अभ्यास अगर पहले से बचपन से ही करवाया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। IQ लेवल अच्छा होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, सीखने की क्षमता अच्छी होती है, हर काम में मन लगता है। आइए जानते हैं इस तत्व का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं और ये देखिए, ये एक विशिष्ट वैसे पृथ्वी मुद्रा लोग इस तरीके से बताते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से बताते हैं, लेकिन ये मुद्रा थोड़ी सी अधूरी हो जाती है। आप इंटरनेट पर देखेंगे तो पृथ्वी तत्व मुद्रा इसी तरह की दिखाई जाती है, लेकिन ये जो है, ये उंगली जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और ये अंगूठा है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व को जोड़कर पृथ्वी तत्व मुद्रा बनाई जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये मुद्रा न करें, क्योंकि इसमें अग्नि मुद्रा जुड़ी हुई है यानी अंगूठा जुड़ा हुआ है, और आप इंटरनेट पर देखेंगे तो यही मुद्रा लगाई जाती है। ये सही है, ये सही है कि बिना अंगूठे का उपयोग किए बिना किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं लगती, लेकिन फिर वो विशुद्ध मुद्रा नहीं रहती। आगे की जो विशेष मुद्रा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो विशुद्ध मुद्रा हमें चाहिए पृथ्वी तत्व की वो इस तरह की है। देख लीजिए, इस तरह की मुद्रा है। ये जो उंगली है इसको आपको जोड़ना है, ये, और इसी तरीके से ये उंगली आप ऐसे आप नीचे रख लें जैसा मैंने अभी ऐसा रखा, इस तरीके से नीचे रखें और अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें। क्लीनिंग प्राणायाम का मतलब ये हुआ जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें
एक समय आएगा कि आपका दम घुटने लगेगा, तब सांस छोड़ दें, यानी जोर से सांस खींचें, रोकें, इस तरीके से 10 प्राणायाम करें। याद रखें, इस तरह की मुद्रा लगा के आप 10 प्राणायाम करें। अभी मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो पृथ्वी तत्व मुद्रा है ये न लगाएं, अंगूठे का उपयोग न करें, ये विशुद्ध मुद्रा है। इस तरीके से ये मुद्रा लगा के आप अपने शरीर में पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। याद रखिए, हम मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और इन 5 तत्व में हर तत्व की अहमियत है। यानी 5 तत्व अगर मनुष्य के शरीर में बैलेंस में है तो मनुष्य का स्वास्थ्य कहिए, शारीरिक स्वास्थ्य कहिए, मानसिक स्वास्थ्य कहिए, वो सब ठीक रहता है। लेकिन अगर इनबैलेंस हो जाए, ये तत्व इनबैलेंस हो जाए, तो समस्याएं बहुत ज्यादा आती है। तो ये मुद्रा है, ये बहुत ही खास मुद्रा है। याद रखिए, इस तरह की मुद्रा आपको लगानी है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इस पोज में ऐसे दिखता है, इस पोज में ऐसे दिखता है। इस तरीके से ये मुद्रा लगाएं और 10 बार प्राणायाम करें। 6-7 मिनट लगेंगे, 10 प्राणायाम करने में 6-7 मिनट लगेंगे। ऐसे सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। ये मुद्रा लगाने के बाद अगर आपको यौन समस्या से संबंधित कोई समस्या है, सेक्सुअल दुर्बलता है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और चेहरे पर चमक बढ़ेगा, और हर तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आप जीवन का आनंद ले रहे हैं। जो मुरझाई जिंदगी है ये खत्म होनी शुरू हो जाती है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आएगा जीवन में। ईश्वर ने मनुष्य को सब शक्तियों के साथ ही बनाया है, लेकिन समय के साथ हम उन शक्तियों को भूलते चले गए, उनका उपयोग करना हमने छोड़ दिया, और उपचार कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उपचार तो हमारे अंदर ही है, ईश्वर ने ऐसा बनाया ही है। सवाल है अपने आप को समझना, इन चीजों को समझना, इनका उपयोग करना, इनको आत्मसात करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए, आपको मूलाधार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी तरह की शारीरिक दुर्बलता है, ये सब दूर होने शुरू हो जाएगी। कम से कम 21 दिन अभ्यास अवश्य करें, मिनिमम प्रैक्टिस 21 दिन अवश्य करें। आपने देखा होगा मेरे 21 दिन की प्रैक्टिस अवश्य करें, इस नाम की एक वीडियो है पहले से ही। वो इसलिए है कि कोई भी प्रैक्टिस जब 21 दिन करते हैं तब वो हैबिट में उसका बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो 21 दिन इसका अभ्यास जरूर करें, इसके बाद भी जब भी जरूरत पड़े आप करें, लेकिन आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ये अभ्यास है, ये करें। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। इसका उपयोग आप अपने लिए, अपने समाज के भले के लिए जरूर करें। जरूर मैंने ये आपको बताई तो मेरा आपसे गुरु दीक्षा लेना भी फर्ज है, लेकिन मेरी गुरु दीक्षा यही है कि आप किसी का भला करें, यही मेरी गुरु दीक्षा है। धन्यवाद।